हाँ भाई साहब, क्या रिपोर्ट? सर आप आज भी ड्यूटी पर? हाँ, एक सिपाही हर वक्त ड्यूटी पर ही रहता है। बच्चे की डेड बॉडी वाला ईमेल मिला तो मुझसे रहा नहीं है। इतने छोटे बच्चे की मौत हो जाना बहुत अफसोसनाक है। स्कूल के रिकॉर्ड से पता चला इस बच्चे का नाम आरिफ है, उसकी मौत छत से गिरने की वजह से हुई है। सर आज पुलिस स्टेशन में एक इब्राहिम नामी शख्स ने अपने कुत्ते हैरी की चोरी की रिपोर्ट कराई। उसके घर की सीसीटीवी फुटेज में यही बच्चा वही कुत्ता उठाए नजर आता है, और सर इसकी कलाई पे किसी कुत्ते के पंजों के निशान, शायद उसी हरे कुत्ते के। और कुछ पता चला ऐसा जिससे हम धक्का देने वाले तक पहुंचे? सर ये नोट मिला है हमें, इस पे ना सिर्फ इस बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हैं बल्कि किसी और शख्स के भी, शायद उसी के हैं जिसने इस बच्चे को पैसे दिए। गुड जॉब। स्कूल का रिकॉर्ड के मुताबिक आरिफ एक बहुत ही लायक स्टूडेंट था, ना कभी कोई शरारत किया ना कोई झगड़ा। आज उस मासूम बच्चे को एक दरिंदा सिर्फ शख्स ने चस्से धक्का दिया और उसका मौत वाकई हो गया। इससे हमारा क्या लेना देना, हम तो स्कूल टीचर हैं। बिल्कुल लेने देना है, क्योंकि हमको चत से एक जूते का निशान मिला है, एक ऐसे जूते का निशान जिसके तलवे पे ब्लू इंक लगा हुआ है। वो जूता आरिफ का नहीं है, किसी बड़े शख्स का जूता है। अभी यकीनन वो जूता आप में से किसी एक का होगा। कमिश्नर सर, जूते चेक करो सबको। बीबी दिखाओ। बाथरूम का चप्पल पहन के स्कूल आते? मैं नमाज पढ़कर सीधा ही आ रहा हूँ, आप कहते हैं तो मैं जूते पहनाता हूँ। रुक जाओ, वो देरी रहेगा। चौकीदार इसके जूते लेके आओ। सर एकदम परफेक्ट, साइज भी यही है और इंक भी लगी हुई है। ये क्या है? सर ये जूते मेरे हैं, लेकिन इंक किसने लगाई मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता। ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसी ने इस बच्चे को मारा है जिसने मेरे जूतों पर इंक लगाई है। ज्यादा ड्रामाबाजी नहीं करो, हमारे ड्राइंग रूम से आएगा ना तो सब बताएगा। तुम हमेशा पकड़ो इसको। देखे मैं शरीफ आदमी हूँ, आप इस तरह से नहीं कर सकते मेरे साथ। अब मैं चल रहा थाने में, चल गया बताना चल।